आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। अलीगढ़ में राम रहीम की गूंज से गूंज उठा मदरसा। गंगा यमुनी तहजीब की मिसाल बना अलीगढ़ का चाचा नेहरू मदरसा। एक तरफ हिंदू बच्चों ने पढ़ा गायत्री मंत्र तो दूसरी तरफ मुस्लिम बच्चों ने अदा की नमाज। दो दिन पहले पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की पत्नी सलमा अंसारी ने अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाका स्थित भमौल में चाचा नेहरू मदरसा के अंदर शिव मंदिर स्थापित करने की बात कही थी, जिसके बाद यह मदरसा चर्चा में आ गया। जहां जाकर देखा गया तो पता चला कि सुबह सुबह इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे अपने अपने धर्म के हिसाब से पूजा और नमाज अदा करते हैं। एक हॉल के अंदर हिंदू बच्चों ने गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए पूजा अर्चना की तो वहीं उसी हॉल में मुस्लिम बच्चों ने नमाज अदा की। दोनों ही धर्म के बच्चों का कहना है कि हमें किसी से कोई भेदभाव नहीं है, मुस्लिम बच्चों को आरती और गायत्री मंत्र में ओम का उच्चारण होने की आवाज से कोई दिक्कत नहीं। तो वहीं हिंदू बच्चों का कहना है कि हमें अपने मुस्लिम भाइयों की कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि जब नमाज की अजान सुनने को मिलती है तो यह भी अच्छी लगती है और मुस्लिम छात्रों को ओम का उच्चारण सुनने का समय अच्छा लगता है। वहीं मदरसे के प्रिंसिपल राशिद अली का कहना है कि इस मदरसे में बिना किसी भेदभाव के बच्चों को पढ़ाया जाता है और यहाँ पर सभी धर्म के बच्चे मुफ्त में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस मदरसे में दोनों ही धर्म के बच्चे राम और रहीम के बारे में करीब से जान रहे हैं, जो अलीगढ़ की गंगा यमुनी तहजीब की मिसाल पेश करता है। अलीगढ़ से आस मोहम्मद की रिपोर्ट। आज जो आपने यहाँ बच्चों को नमाज पढ़ाई है, नमाज रोज पढ़ाते हैं? हाँ, हम रोज पढ़ाते हैं। अच्छा, बराबर में जो मंदिर है, मंदिर आपके बराबर में है ना, तो वहाँ पे वो पूजा करते हैं, तो आप लोगों को बीच में डिस्टर्ब नहीं होता? नहीं होता। यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता को पैगाम देते हैं। हाँ, वो अपनी पूजा करते हैं और हम अपनी नमाज पढ़ते हैं। और उससे आपको कोई एतराज नहीं? उससे कोई एतराज नहीं है हमें, और वो हमारी सीखते हैं, वो हम उनकी सीखते हैं। हिमांशु, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सेकंड। कौन से स्कूल में? चाचा नेहरू मदरसे में। अच्छा, जो आपका आज आपने पूजा कराई, तो क्या पूजा आप रोज कराते हैं? रोज करते हैं। अच्छा, बराबर में आपके जो इसी कमरे के अंदर बराबर में बच्चे नमाज पढ़ते हैं, तो आपको सर कोई डिस्टर्ब कुछ नहीं होता? ये हमें अच्छे लगते हैं, इनकी अजान की आवाज़ हमें अच्छी लगती है, हमारी ओम की ना अच्छी लगती है। तो आप संग पढ़ते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे ही मिलजुल के रहना चाहिए पूरे देशवासियों को? भाई बहन हैं हम, भाई भाई हैं हम। हिंदू मुस्लिम भाई भाई? हाँ, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। लेकिन आखिर जो लड़ाई करते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो तो अपने लिए वो बनते हैं ज़्यादा, वो बेकार हैं, हम सही हैं बच्चे। वो सब बेकार हैं? वो हमें अलग कराना चाहते हैं भाई भाई को। कौन अलग कराना चाहते हैं? जो लड़ते हैं। और एक ही कमरे में नमाज को भी अदा कराते हैं और वहीं एक तरफ आरती चलती है, उससे बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं? उसमें कोई दिक्कत नहीं है और बच्चे उस बात से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बल्कि हमारे हर फेस्टिवल पे हम एक ड्रामा करके दिखाते हैं बच्चों को, हिंदू का हो या मुस्लिम हो, ईद का है या रामलीला का है, तो उससे बच्चों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और वो शिक्षा उनके अंदर भी आ रही है कि राम कौन है और रहीम कौन है, हमारे हुजूर कौन है और कि हनुमान कौन है। ये बच्चों को इससे जानकारी हासिल होती है, इससे हमारे बच्चों को कोई एतराज़ नहीं है। यहाँ इल्म देते हैं बच्चों को और हर धर्म के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो उससे एक फ़ायदा ये है कि बच्चों को अब अजान होती है तो बच्चों को अच्छा लगता है। अजान की आवाज़, हिंदू बच्चे कहते हैं कि हमें अजान की आवाज़ सुनना बहुत पसंद है और मुस्लिम बच्चे कहते हैं कि हमें ओम की आवाज़ हम सुनते हैं तो सुकून मिलता है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को कोई एतराज़ हो। कुछ लोग हैं जो एतराज़ करते हैं, जो हमारे ऊपर उंगलियां उठाते हैं। असल में ये हमारा स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहां बच्चों को मुफ्त हम उनको सिखा रहे हैं सब कुछ, यानी कोई एक पैसा फ़ीस का उनसे नहीं लिया था। 4000 बच्चे हमारे यहाँ स्कूल के अंदर हैं और उनसे एक पैसा नहीं हम लेते हैं, और जो उनको इल्म हम दे रहे हैं वो उनको फ्री में दे रहे हैं। तो कुछ लोग अगर चाहें तो हमें दान भी दे सकते हैं, हमारे स्कूलों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छे से अच्छे, इसके केयर टेकर विक्रम सर हैं, मैं यहाँ एक क्या कहते हैं प्रिंसिपल हूँ, और जो इसकी प्रेसिडेंट है मिसेस सलमान अंसारी मैम हैं।